ए बउआ, आपको खाने में ये बिस्किट कैसी लगी? इसका टेस्ट क्या है? तो ये बच्चे नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी टेस्ट कैसे होती है और ये बिस्किट कितने रुपए में मिलते हैं। तो फुल डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग इस चैनल पे हो रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो आप सब? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ और इनर ओरियो। आप देख सकते हो कि ये कैडबरी की तरफ से आने वाला ये ओरियो बिस्कुट है, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल रिव्यू दूंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कि ये बिस्किट की टेस्ट कैसी होती है, इसकी MRP क्या होती है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है और इसको किस चीज़ से देखकर इसे बनाया जाता है, इंग्रीडियंट इसमें क्या मिलता है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको क्या मिलती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी, तो इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप अपने पहली बार में हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस पे जो है आपको तरह तरह के प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू दे दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जाके तो और वीडियो देख सकते हो और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप जो है सबसे पहले देखो। तो आप देख सकते हो कि कैडबरी की तरफ से आने वाला ओरिजिनल ओरियो बिस्किट है। यहाँ पर देख सकते हो आप सैंडविच बिस्किट है यहाँ पर। और इधर की साइड की बात करें तो आप देख सकते हो कि नेट वेट इसको जो है 120 ग्राम आपको मिलते हैं और इसकी MRP जो 30 रुपीज़ होती है, यानी 30 रुपये का ये बिस्किट है। और अगर बात करें कि इसके मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है तो आप देख सकते हो 27/7/2000 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और 6 मंथ की इसकी जो है वैलिडिटी होती है। तो 6 मंथ आप जब भी परचेज करो तो आप जो है सबसे पहले उसकी देख लो कि कब ये मैन्युफैक्चर हुई है और इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, तभी आप उसे परचेज करना। उसके बाद अगर बात करें कि ये कि इसे जो है किससे बनाया जाता है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो कि मैदा से इसे तैयार किया जाता है। इसमें शुगर हो गया, फिर पल्मोलिन हो गया, फिर कोका सॉलिड, ये सारी चीज़ें देख के इसमें सॉल्ट देख के इसे जो तैयार किया जाता है और बहुत ही जो है डिलीशियस बिस्किट इसे बनाया जाता है। और उसके बाद अगर बात करके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात करें तो कि आप अगर इस बिस्किट को अगर एक पैकेट आप कंज्यूम करते हो पूरा का पूरा, तो आपको क्या है न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है आपको जो है। एनर्जी की बात करें तो आपको 480 ग्राम मिलेगा, 480 मिलते हैं आपको जो 100 ग्राम में। प्रोटीन की बात करें तो 5.3 ग्राम मिलते हैं और आपको जो फैट भी मिलते हैं, सैचुरेटेड फैट भी मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की तो 70.7 मिलते हैं आपको। तो चलिए अभी इस बिस्किट के बारे में मैंने आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसे ज़्यादा कंज्यूम बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि ये बहुत ही मीठा और कोका से बनाया गया और इसमें सैचुरेटेड फैट है। तो चलिए इस पैकेट को फाड़ते हैं। और ये बात करें कि ये कहाँ से बन के आते हैं, तो आप देख सकते हो तो कर्नाटका पंजाब बहुत एरिया से जो है ये बन के आते हैं। तो चलिए इस पैकेट को फाड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दिए। आप चलिए इसके पैकेट को फाड़ेंगे और देखेंगे किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है और ये खाने में कैसा जो होता है, इसके स्वाद कैसे होती है। तो चलिए पैकेट को फाड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये पैकेट होता है, मैं इसे फाड़ता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसके पैकेट को फाड़ दिया और ये बिस्किट आप देख सकते हो। अगर बात करें कि आपको 30 रुपये में कितने बिस्किट निकलते हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो आप देख सकते हो कि 12 पीसेस आपको मिलते हैं, यानी कि 30 रुपीज़ में आपको जो है 12 पीस आपको जो है बिस्किट मिल जाती है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये बिस्किट है। तो अब इसको मैं खा के देखूंगा और इसके टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी टेस्ट कैसी होती है। तो चलिए एक बिस्किट को मैं खा के देखता हूँ। तो चलिए खा के देखते हैं। तो मैंने इसे खा के देखा, तो इसकी टेस्ट की बात करें तो ये आपको जो है चॉकलेट, यानी कि आप कॉफ़ी कह सकते हो, कॉफ़ी की तरफ से इसका फ्लेवर आता है। और इसकी ये जो क्रीम आपको दिखाई दे रही है, ये क्रीम जो है आपको जो है चीनी की तरह लगेगी, बहुत ज़्यादा मीठा है ये क्रीम और आपको खाने में जो है बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो और इसे जो है कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मीठा है, क्योंकि इसके अंदर में जो ये क्रीम आप देख रहे हो इसको जो है शुगर से ही बनाया गया है। तो आप जो इसे कंज्यूम करो तो कम ही मात्रा में जो कंज्यूम करना चाहिए आपको। तो ये थी ओरियो की तरफ से आने वाली बिस्किट, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू में आपको जो फुल डिटेल रिव्यू दे दिया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक न्यू फ्रेश वीडियो में।